नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है किसान संगोष्ठी में आप सभी लोगों का। संजारा लाइफ केयर पिछले कई सालों से किसानों के हित के लिए काम कर रही है। आज हम आपके किसानों के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के आए हैं जिसका नाम है ग्रोमैक्स। ग्रोमैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज़ करके आज हजारों लाखों किसान इसका प्रॉफिट फ़ायदा ले रहे हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आज किसानों की जो समस्याएं हैं, आज जो किसानों की प्रमुख समस्याएं हैं वो ये है कि लगातार उर्वरक का अधिक इस्तेमाल करना, जिससे किसानों की खेती खराब ही नहीं हुई बल्कि पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है। ग्रोमैक्स एक ऐसा अद्वितीय उत्पाद है जिसको आप अपने पेस्टिसाइड के साथ, कीटनाशक के साथ, खाद के साथ, सिंचाई के साथ, बीज के साथ, सभी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप इसका उपयोग करते हैं। हम आपको थोड़ा सा इसका चार्ट बताते हैं, बताना। सबसे पहले आइए जानते हैं कि किसानों का प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। सबसे पहले ये जानिए कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि किसानों का जितना भी लागत ये लगाते हैं, वैज्ञानिक का मानना है कि किसानों का 40% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, वो उनके काम ही नहीं आता। कैसे? जब सबसे पहले किसान शुरुआत करता है, वो शुरुआत करता है बीज से, यानी जब वो खेतों में बीज डालता है तो यहीं से सबसे पहले हमारे जमाव के ऊपर हमारी पैदावार निर्भर करती है। जब किसान बीज डालता है तो सबसे पहले उसका जो जर्मिनेशन होता है वो मैक्सिमम 70% से 80% के बीच में होता है। 5 से 10% सीड जो होता है वो नुकसान हो जाता है दैवीय आपदा से और भी तमाम समस्याओं से, यानी 5 से 10% अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास जो जर्मिनेशन होता है वो 60 से 70% तक होता है। लेकिन किसान जो अपनी लागत लगाता है, यानी अगर उसके खेत में कीट लगा है या उसके खेत में खरपतवार है या उसके खेत में कोई भी ऐसी समस्या है जिससे उसे छिड़काव करना है, तो छिड़काव वो क्या करता है, 100% करता है। छिड़काव वो 100% करेगा। किसान को अगर तीसरा काम किसान करता है वो खाद डालता है। खाद वो पूरे खेत में डालता है, क्योंकि अगर वो 70% का उसका जर्मिनेशन है तो ऐसा तो नहीं है कि एक पौधा यहाँ एक पौधा यहाँ है तो खाद और पानी यहीं दे, वो तो पूरे खेत की सिंचाई करता है, यानी खाद पूरे संपूर्ण खेत में डालता है। चौथा किसान काम करता है सिंचाई करता है, सिंचाई करता है, सिंचाई भी पूरे खेत में करता है। और पांचवा जो होता है फिर पैदावार लेता है। लागत यहां हमारी 100% होती है लेकिन वो वेस्टेड बर्बादी सबसे ज्यादा होती है। तो आइए हम एक डेमो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे किसानों का हिस्सा वेस्टेज जाता है जो किसान समझ नहीं पाता। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जब आप बीज का चुनाव करें तो सबसे पहले क्या करें कि ग्रोमैक्स को अपने बीज शोधन करें, ग्रोमैक्स से अपने बीज का बीज शोधन करें। 1 किलो बीज में ग्रोमैक्स लगता है 1 ml, यानी अगर आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं, धान की बुआई कर रहे हैं, किसी दलहने तलहनी की बुआई कर रहे हैं तो आपको 1 ml 1 किलो बीज में आपको 1 ml डालना है। अगर आप यही गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो आपको 200 लीटर पानी लेना है, या जितना भी आप गन्ना की बुआई कर रहे हैं उस हिसाब से। अगर 1 एकड़ की बुआई कर रहे हैं तो आप 100 लीटर पानी ले लीजिए, उसी में आप 75 ml आप इसको ग्रोमैक्स को उसी में आप डाल दीजिए। तो जैसे आप उसमें डालते हैं, घोलते हैं, जो गन्ने का कट किया होता सीड होता है उसमें आपको डुबो के निकाल लेना है। ये गन्ने का बीज शोधन हो गया। इसी तरीके से आपका पहला जब बीज शोधन करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपका बीज शोधित होने के बाद आपका जमाव 90% से ज़्यादा होगा। तो जब आपका जमाव अधिक होगा तो आपकी पैदावार भी अधिक होगी। आइए जानते हैं कि किसान दूसरा जो काम करता है वो छिड़काव करता है। जब वो छिड़काव करता है तो छिड़काव में उसको कैसे उसका नुकसान होता है। जैसे हमारे पास आप देखें कि ये हमारे पास ये एक पत्ता है जिसको हमने पेड़ से लाया है। अब हम इसको एक इसमें डाल देते हैं जिसमें हमने ग्रोमैक्स नहीं डाला हुआ है। आप देखेंगे अगर हम इसको निकालते हैं
तो आप देखेंगे कि कहीं पत्ते पे पानी का असर है और कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं है कहीं नहीं है। तो किसान जब किसी भी कीटनाशक या किसी भी खरपतवार नाशक या किसी भी चीज़ का अगर स्प्रे करता है तो उसको रिजल्ट नहीं मिलता, और बूंद बूंद करके ये पानी यहाँ पर गिरा हुआ है, पता लगता है बाद में हवा चला तो वो भी गिर गया। तो इसी तरीके से हमारा ज़्यादातर हिस्सा वेस्टेज हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि ये ग्रोमैक्स का उपयोग अगर आप उन्हीं फसल में करते हैं, थोड़ा सा हम ग्रोमैक्स इसमें डाल देते हैं। इसको इसमें डाल देते हैं, ये मिला देंगे आप, अच्छे से पानी में मिल भी जाएगा। तो अब अगर हम इसका उपयोग जो इसमें हम करते हैं, जहाँ से हमारा रिजल्ट जीरो था, अगर हम इसी चीज़ पौधे का उपयोग इसमें करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से भीग गया। अब आप देखिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर यह भीगा नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से भीग गया। जैसे इसको इसमें डालते हैं तो रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलता है। दोनों में आप देखिए कि एक इसमें मैंने डुबोया और एक ग्रोमैक्स में डुबोया, दोनों का रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अगर यही आप ग्रोमैक्स में डाल देते हैं तो फिर से ये पूरी तरीके से भीग जाता है। यानी जब आप उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि पौधे जो होते हैं सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, इन पत्तों में जो नसें होती हैं इसी नसों के माध्यम से ग्रोमैक्स पौधों में समा जाता है। तो जो पेस्टिसाइड कीटनाशक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी खाद उर्वरक पानी के माध्यम से जो स्प्रे करते हैं वो इसमें पूरी तरीके से पौधों में अपना जो है असर दिखाता है। तो ये हो गया हमारा जो है छिड़काव का। अगर हम छिड़काव करते हैं तो अगर हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो ग्रोमैक्स का आपको 10 ml 15 लीटर पानी में आपको मिलाना है, और अगर हम खरपतवार के लिए स्प्रे करते हैं तो आपको 20 ml आपको 15 लीटर पानी में मिलाना है। ये हो गया आपका छिड़काव, यानी बीज में आप 1 ml 1 किलो सीड में, दूसरा आप अगर उपयोग करते हैं कीटनाशक के साथ 10 ml और खरपतवार नाशक के साथ 20 ml। अब आइए जानते हैं किसान जो तीसरा काम करता है, जो मैंने अभी आपको लिख के बताया है, वो खाद डालता है। खाद डालने पर भी किसान का लगभग 40% चीज़ें वहाँ भी वेस्टेज हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे। जैसे देखिए ये हमारे पास एक जो है पाउडर है, ठीक है, एक पाउडर है जिसमें ये एक टेलकम पाउडर है, मिट्टी है। हम आप खाद जो बोते हैं वो मिट्टी में बोते हैं। आइए हम एक इसमें डालते हैं जिसमें हमने ग्रोमैक्स नहीं डाला हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसको हमने डाल दिया, मिट्टी को अगर पानी में हम घोलते हैं तो ये होना चाहिए कि ये घुलना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे घुल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं घुल रहा है। आप हमें बताइए कि खाद अगर आप बोते हैं तो आपका खाद नीचे जाना चाहिए कि ऊपर पड़ा रहना चाहिए? तो आप ये समझे कहेंगे कि खाद हमारा जब ज़मीन में जाएगा तो हमारा काम करेगा, लेकिन ये देखिए धीरे धीरे घुल रहा है। आइए हम ग्रोमैक्स वाले गिलास में डालते हैं जिसमें हमने ग्रोमैक्स डाला हुआ है। अब इसको अगर ग्रोमैक्स वाले गिलास में डालते हैं तो आप दोनों में देखेंगे कि दोनों में असर क्या है। आप दोनों में देख के बताइए कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से किस में घुल रहा है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रोमैक्स वाले में ये तेज़ी से घुल रहा है। घुलेगा ये भी ऐसा नहीं है, लेकिन इसको समय लगेगा। यही होता है कि जब हम आप खाद डालते हैं तो हमारे खाद का ज़्यादातर हिस्सा वाष्पित करके उड़ जाता है। आप ये देख चुके हैं कि ये पूरी तरीके से घुल गया, ठीक है। तो जब हम खाद डालते हैं तो सूरज की रोशनी में ऊष्मा से गर्मी से नमी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज हो जाती हैं जो किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता। किसान एक ही चीज़ समझता है कि अगर उसे पैदावार बढ़ाना है तो खाद की मात्रा को बढ़ा दो, जबकि ऐसा नहीं है किसान भाइयों। आप अगर अपने खेतों में एक सिस्टमेटिक वे से अगर आप खेती करते हैं तो आपको पैदावार अधिक मिलता है और आपकी लागत कम लगती है। घुलेगा ये भी ऐसा नहीं है, लेकिन इसको काफ़ी समय लगेगा। इसी तरीके से अगर आप जब खाद डालते हैं अपने खेतों में तो होता क्या है कि खाद काफ़ी लंबे समय तक आपके ऊपरी सतह पर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमको उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप ग्रोमैक्स उसी खाद में अपने मिला लेते हैं, जैसे अगर ग्रोमैक्स का उपयोग करना है तो आपको जैसे 100 किलो DAP ले रहे हैं
तो 100 किलो डीएपी ले रहे हैं तो 20% हिस्सा कम कर लीजिए। 20% कम करने का मतलब ये है कि जो भी आप खाद बो रहे हैं उसका 20% हिस्सा कम कर लीजिए। जो भी चीज़ डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड कर रहे हैं तो भी आपको 20% हिस्सा कम लगेगा, खरपतवार डाल रहे हैं तो भी कम लगेगा। जैसे कुछ लोगों ने धान में बूटा क्लोर डाला, बूटा क्लोर अगर आप डालते हैं तो एक बीघे में अगर 1 लीटर लगता है तो वही 1 लीटर आपको 1.5 बीघे में लगेगा। तो खाद में आप क्या करिए, डीएपी एक पल्ली पर बिछा लीजिए, उसके ऊपर आप डाल करके ग्रोमैक्स उसी के अंदर मिला करके आप अच्छे से मसल लें और अपने खेत में बो दें। इसके लिए कोई अलग से जतन करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी खाद आप डाल रहे हैं, 1 एकड़ में मान लीजिए अगर 1 एकड़ में आप 50 किलो यूरिया डाल रहे हैं तो आपको 50 किलो डालने की ज़रूरत नहीं है, उसका 20% हिस्सा कम कर लीजिए, ग्रोमैक्स उसके अंदर मिला लीजिए और आप उसकी बुआई कर दें। तो इससे रिजल्ट आपको मिलेगा कि पौधे काफ़ी स्वस्थ होंगे, हरे भरे होंगे, जल्दी डेवलप करेगा, दाना मोटा आएगा, पहिया का परसेंटेज कम होगा और बहुत सारे फायदे आप देखेंगे जो आप स्वयं यूज करके इसका लाभ कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कि खाद के बाद किसान जो तीसरा काम करता है वो काम करता है सिंचाई करता है। सिंचाई अगर वो करता है तो उसका भी 40% हिस्सा वेस्टेज हो जाता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। हमारे पास आप देखेंगे कि ये दो हमारे पास गत्ते हैं, दो गत्ते हैं, इन दोनों गत्तों में परतें हैं। जैसे अगर आप देखें ये परत है, ठीक है, तो ये परत है, तो इसी तरीके से ज़मीन में भी परतें होती हैं, इसलिए हम जुताई करते हैं, गुड़ाई करते हैं ताकि उसकी परतें हों, जिससे हवा पानी सारा चीज़ सरलता से आ जा सके। अब आइए हम डालते हैं इसको, दोनों का उपयोग करते हैं। आइए हम देखते हैं कि एक गत्ते को हम इसमें डालते हैं जिसमें हमने ग्रोमैक्स का उपयोग किया है और एक गत्ते को हम इसमें डालते हैं जिसमें हमने ग्रोमैक्स का उपयोग नहीं किया है। अब आप दोनों देखेंगे कि दोनों का हम आपसे रिजल्ट देखेंगे। अब आप देखेंगे कि पहला वाला है और दूसरा वाला है, आप हमें बताइए कि दोनों में सबसे ज़्यादा नमी का परसेंटेज किस में लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये इसमें, आप देखें कि पानी यहाँ तक था लेकिन पानी का नमी यहाँ तक है। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम इसके पहले परत को खोलते हैं तो आप देख पाएंगे कि पहले परत में हमारे पास कोई नमी नहीं है। दूसरे परत में अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे दूसरे भी परत में कोई भी नमी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तीसरे परत में अगर हम देखते हैं तो तीसरे भी परत में हमारे साथ कोई नमी नहीं है। यानी पानी की अगर आप सिंचाई करते हैं तो पानी आपके पूरे खेत के नीचे जड़ों तक पहुंचना चाहिए, वो भी काफ़ी समय तक इसी तरीके से पड़ा रहता है जो मिट्टी को गीला नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे पौधों में पौधों को ठीक से पोषण और पानी देर में मिलता है। इसी वजह से क्या होता है कि जब ऊपरी सतह पर पानी भरा रहता है तो उसमें वाष्पन क्रिया हो जाती है। अब आइए उसको देखते हैं जिसमें हमने ग्रोमैक्स को डाला हुआ है। अगर हम इसके पहले परत को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली खुल गया, यानी आप देख पा रहे हैं कि इसमें पूरी नमी का मात्रा है। दूसरे परत में देखेंगे तो पूरी तरीके से नमी है, तीसरे तरीके में देखेंगे तो पूरी तरीके से नमी है, चौथे में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि चौथे में भी पूरी तरीके से नमी है। आप ये देखेंगे तो इसकी पूरी परतें अलग अलग हो गई और इसको हमको निकालना पड़ा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दवा का कमाल है, ग्रोमैक्स का कमाल है। नहीं किसान भाइयों, ये कमाल है एक सिस्टम का। जैसे आप एक खेत की जुताई करके पानी भर दें और एक बिना जोत के पानी भरें, तो आप ये जानते होंगे कि पानी जोते हुए खेत में ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर तक नमी रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे पानी का सुखाव ज़्यादा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब आप ग्रोमैक्स यूज़ करते हैं तो आपके पानी की सोखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है जिससे आपका भूभाग ज़्यादा लंबे समय तक गीला रहता है। इसी वजह से इसमें नमी ज़्यादा बरकरार रहती है। अभी जैसे ये हवा चल रहा है आप देखेंगे धीरे धीरे इसका पानी सूख जाएगा लेकिन ये ऐसे ही नमी बना रहेगा। सिंचाई में इसका बहुत तगड़ा साधन है। आइए जानते हैं कि सिंचाई में कैसे इसका तगड़ा साधन है। सिंचाई में इसका ऐसा साधन है कि अगर आप सिंचाई कर रहे हैं और ग्रोमैक्स के साथ अगर सिंचाई करते हैं तो आपका पानी भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। कैसे? अगर आप मान लीजिए ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं तो जहाँ पर आपका पाइप से पानी ख़त्म हो रहा है वहीं आप ग्रोमैक्स को 1 एकड़ में अगर आपको सिंचाई करनी है तो 360 ml आप किसी बोतल या किसी डिब्बे में आप घोल करके टांग देंगे
टांगने के बाद उसमें हल्का सा सुराख कर देंगे, तो आप जब बूंद बूंद पानी टपकेगा तो वो बहुत तेजी के साथ आपके खेत में फैलेगा। इस पे देखिए आप पढ़े होंगे, इस पे लिखा हुआ है एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर। एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर ये किसी भी चीज़ को एक्टिवेट कर देता है, वेटर इसमें नमी पैदा करने वाले एजेंट है, स्प्रेडर ये अपनी सतह से 82 गुना ज़्यादा जगह कवर करता है। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे हमारे कुछ किसान भाई हैं जो पानी ट्यूबवेल से करते हैं या नहर से करते हैं या उनके पास पानी के साधन कम होते हैं, तो ग्रोमैक्स का उपयोग करके वो अपनी सिंचाई में भी बचत कर सकते हैं। आज महंगाई के ज़माने में आप देखते हैं कि आज लगभग 100 रुपये लीटर डीजल हो गया, अगर आपका एक घंटा भी अगर इंजन कम चला तो आप 100 रुपये बचा लेते हैं। आइए जानते हैं कैसे। देखिए जैसे ये हमारे पास ये है, मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब आपके पास जो है मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा डालता हूँ, आप देखेंगे कि ये बूंद करके यहाँ पर रुका हुआ है। जैसे मैंने देखा यहाँ पर पानी डाला हुआ है, अब ये पानी आप देख रहे हैं कि बूंद बूंद की शक्ल में यहाँ पर पड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा और इसमें कुछ बूंदें डाल देता हूँ, आप देख रहे हैं कि यहीं का पड़ा हुआ है। अगर हम इसमें जो है अगर हम इसको दूसरे हिस्से देखते हैं कि इसको कोशिश करते हैं कि ये पानी को अपनी सतह से भगाने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये यहीं के यहीं पड़ा हुआ है। किसान ये सोचता है कि अगर हम खेत में ज़्यादा पानी भर देंगे तो हमको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों। मैं आपकी बातों को लेकर के फिर से इसमें कुछ पानी के परसेंटेज को और बढ़ाता हूँ, आप देखेंगे कि पानी के दबाव को बढ़ाने के बाद भी ये वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। फिर मैं इसको कोशिश करता हूँ कि अपनी सतह से हिले, लेकिन आप देख रहे हैं यहीं पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप ग्रोमैक्स का उपयोग करते हैं, अगर इसी ग्रोमैक्स को आप अपने खेतों में टांग देते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। आइए ये ग्रोमैक्स वाला पानी है, मैं इसको थोड़ा सा इसमें डालता हूँ और एक बूंद मैं इसके कोने पर टच करता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको टच करते ही ये अपनी सतह से फैल गया। यानी अगर आप ग्रोमैक्स का उपयोग अपने बीज से लेकर और आप छिड़काव से लेकर खाद से लेकर सिंचाई से लेकर अगर उपयोग करते हैं तो इसका एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। आइए जानते हैं कैसे। तो बीज में अगर आप उपयोग करते हैं तो 1 ml आपको 1 kg सीड में आपको डालना है। छिड़काव में 10 ml कीटनाशक के साथ, 20 ml खरपतवार नाशक के साथ। खाद में आपको जो डालना है, अगर आप 1 एकड़ यूज़ कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको ये जो है 360 ml आपको डालना है। सिंचाई में भी 360 ml आपका लगेगा। अगर आप ये सब सारा चीज़ करते हैं तो आपका 20% दवा खाद पानी सब कुछ बचता है और 20% पैदावार आपकी बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आप केवल ग्रोमैक्स को उपयोग में केवल इसका ही इस्तेमाल करते हैं तो इसका काम क्या है, पैदावार बढ़ाना। लेकिन अगर आप बीज छिड़काव खाद सिंचाई के साथ इसका उपयोग करते हैं तो पड़ेगा तो खेत में ही और आपका ये अच्छा खासा पैसा समय सब कुछ बचा देगा। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि ग्रोमैक्स का उपयोग आप खुद करिए, रिजल्ट अच्छा मिले तो अपने जानने वालों को, अपने पहचान वालों को, पास पड़ोसियों को बताइए और इसका लाभ कमाइए। ग्रोमैक्स किसी भी दुकान पर नहीं मिलता, उसकी वजह है क्योंकि आज तक ज़्यादातर सामान नकली बिक रहे हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है हमें उसका डुप्लीकेट मार्केट में मिल जाता है, इसलिए हर बोतल पर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल इन शॉप टू बी सेल ओनली थ्रू सेंजारा कंसल्टेंट। इसको यूज़ में लेने के लिए या तो आप हमारे कंपनी के सेंजारा लाइफ केयर के ग्राहक बने या फिर किसी सेंजारा लाइफ केयर कंसल्टेंट से ही आपको मिलेगा। इसकी गुणवत्ता, इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसे ही बरकरार रहे और हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा उत्पाद, विश्वसनीय प्रोडक्ट सदा मिले, इसलिए इसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पर या तो आप फ़ोन करके मंगा सकते हैं या फिर हमारी कंपनी के जो कंसल्टेंट हैं जो आपके पास मिलते हैं आप उनके साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों किसान भाइयों आप ग्रोमैक्स का उपयोग करके अब आप अपने खेतों पर पैसा और पेड़ों पर पैसा उगा सकते हैं।
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने सुना जाना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।